हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी। कचौड़ियाँ सबको बहुत पसंद आती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं कचौड़ियाँ कैसे बनाते हैं। पर पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कचौड़ी के आटे के लिए ये 2 कप मैदे को हमने छान के लिया है। इसमें ये 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। ये 1/2 टीस्पून हमने अजवाइन ली है, इसे हम हाथ पे क्रश करके इसे ला लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नमक और अजवाइन को। ये 4 टेबलस्पून ऑयल को हमने हल्का सा गरम कर लिया है, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ऑयल को। ऐसे मुट्ठी हम बंद करते हैं तो ये देखिए कैसे बाइंड हो रहा है। इसका ही मतलब हमने जो ऑयल इसमें डाला है वो परफेक्ट क्वांटिटी में है। तो आइए इसका आटा भी लगा लेते हैं। हमें आटा हमें टाइट नहीं लगाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट ही आटा हमें लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा लग चुका है। ये हमने एकदम सॉफ्ट आटा लगाया है, आप देख सकते हो। और इसके लिए हमने ये 1/2 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी यूज़ किया है, 1 चम्मच ज़्यादा, 1 टेबल स्पून। तो इसे हम ढक के रखेंगे, पर उसके पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के, ताकि इसको ऊपर से परत ना आए, इसलिए हमेशा ऑयल का हाथ लगा के रखेंगे। ये देखिए, अभी हम इसके ऊपर कपड़ा ढक के रखते हैं 1/2 घंटे के लिए, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। हमने इस कप से मेजर करके 1 कप मूंग दाल ली है, इसे हमने 2-3 घंटे अच्छे से भिगा लिया है। अभी ये देखिए, अच्छा भीग चुके हैं हमारी मूंग दाल, पूरी तरह से इसका पानी निकाल लिया है। इसको मिक्सी के जार में डाल के कोर्सली ग्राइंड कर लें। इस तरह से हमें कोर्सली ग्राइंड करना है, मतलब बीच बीच में दाने भी दिखने चाहिए और बीच बीच में पीसी हुई भी दाल दिखनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये हमने 1 टेबलस्पून बड़ी शोक फेनल से लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया लिया है, अच्छा धनिया, और ये 1 टेबलस्पून हमने जीरा लिया है। इनको हम कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। पहले मूंग दाल हमने कोर्सली ग्राइंड करके ली थी। ये कोर्सली ग्राइंड करके हमने धनिया, जीरा और बड़ी शोक, जिसे फेनल से भी बोला जाता है, ये 1/4 टीस्पून हम हींग लेंगे, ऐसा फोटिडा, 4 टेबलस्पून बेसन लेंगे, 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1/2 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर ली है, भुने जीरे की पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने आमचूर पाउडर ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, ये सादा वाला नमक है, और 1/2 टीस्पून हमने ब्लैक नमक लिया है। तो आइए पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन करके 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के कढ़ाई में गैस पर रख ली है कढ़ाई। ये मैं पहले जब मैंने इंग्रेडिएंट बताया तब भूल गई थी कि 1 हरी मिर्च और 1/2 इंच का अदरक का पीस हमने लिया है। इसे हम पहले ऑयल में डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे और साथ में ही ये जो धनिया, जीरा और बड़ी शोक हमने ली है इसमें ऐड करेंगे। अभी हम ये 4 टेबलस्पून बेसन हमने लिया है, ये इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं। ये 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐसा फोटिडा डाल लेंगे ही, काला नमक है, सादा नमक है, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, ये जीरा पाउडर है और ये चाट मसाला है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और
बेसन के साथ इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। साथ में ये गरम मसाला भी हम इसमें ऐड करते हैं। मसाले और बेसन को एक दो मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ये दाल ऐड कर देते हैं। सभी मसाले को हमने दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसे हमें 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून के लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्टफिंग एकदम खुला खुला बना है। अभी हम इसमें ये 1 टेबल स्पून जो पाउडर शुगर हमने ली थी वो इसमें ऐड करेंगे। पहले आमचूर हमने पहले ही डाला है, थोड़ा सा खट्टा मीठा जैसा बाहर मिलता है वैसा टेस्ट बनाएंगे। और साथ में ही ये कसूरी मेथी हमने ली है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। आप इसे 1-2 मिनट हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जिस स्टफिंग के हम इस तरह के लाड़ू बना के लेंगे ताकि स्टफिंग करना हमें आसान हो, इसलिए ऐसे लाड़ू पहले मैं बना लेती हूँ 8-10 और फिर मैं आपको स्टफिंग करना बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने लड्डू बना लिए हैं स्टफिंग के। ये मैंने 10 ही लड्डू अभी बनाए हैं आपको दिखाने के लिए। ये हम आटा निकाल लेते हैं जो आधे घंटे पहले हमने भून के रखा है। अभी इस आटे को हम अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। और इसमें से हम लोइया निकालेंगे। ये मैं बड़ी साइज की बना रही हूँ, आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा छोटा साइज का भी बना सकते हैं। हाथ से हम इसे बड़ा कर लेंगे और पैसे से कटोरी ऐसा बना लेंगे। इसे बीच में ज़्यादा पतला नहीं करना है, साइड से ही इसे हमें पतला करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसे कटोरी ऐसा बना लेंगे। फिर इसमें ये लड्डू हम ऐड करेंगे और ये धीरे धीरे हमें इसे ऊपर लाना है। अंदर दबाते हुए हम साइड से आटे को ऊपर लाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर का जो पोर्शन है हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये देखिए ये ऊपर का पोर्शन निकाल लेंगे और इसे ऐसे ही वहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारी कचौरी तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, वापस से मैं आपको दूसरी कचौरी एक बार भर के दिखाती हूँ। ये हमें साइड से ऐसे इसको कटोरी ऐसा बनाना है। अंदर ऐसे ये करते रहेंगे और बाहर का हम पतला करते रहेंगे। ये देखिए, और ये जो कटोरी हम बनाते हैं इसका बीच में का जो पोर्शन है वो पतला नहीं होना चाहिए। इसे इस तरह से करके हम ये देखिए इसमें अंदर डालेंगे और धीरे धीरे करके इसे अंदर ऐसे स्टफ करते हुए और साइड से हमें ये जो बाकी का आटा है इसे बाहर निकालते हुए इसको अंदर डालना है। ये देखिए, इससे हमारी कचौड़ी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए जैसे ही हमारा स्टफिंग अंदर गया, हम ऊपर का जो पोर्शन है उसको इस तरह से हाथों से
नजदीक लाते रहेंगे। ये देखिए और एक बार सब नजदीक आ गया तो हमें इसको सिर्फ इस तरह से दो जो उंगलियां है हमारी उसके बीच में दबाते रहना है ताकि ऊपर का पोर्शन हम निकाल सके। एक बार ये ऊपर का पोर्शन बाहर आ गया तो हम इसे ऐसे इस तरह से निकाल लेंगे और जो बच्चा है उसे हम अच्छी तरह से अंदर 15 मिनट हो चुके हैं इसे ढक के रख के, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो स्टफिंग करके रखा था कचौरी को, इसको हम थोड़ा सा ऐसा इस तरह से बड़ा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बड़ा करते वक्त हमें इसे ऐसा अंदर से कटोरी जैसा इसे बनाना है। ये देखिए मैं सभी पहले इसे बना लेती हूँ और फिर एक साथ ही हम इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे। इस तरह से हमने कटोरी जैसे सभी बना लिए हैं। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रखा है, इसे चेक कर लेते हैं। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म है तो हम अभी कचौरी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए हल्का सा गर्म होना शुरू हुआ है ऑयल, तो इसे हम अंदर डाल देते हैं। सभी कचौरी एक साथ ही डालनी है जितनी आपको एक बार में फ्राई करनी है। गैस का फ्लेम एकदम लो पे ही रखा है हमने। देखिए इस तरह कटोरी जैसे बना के हमने इसमें छोड़ा है उसको। हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे जब तक ये ऊपर आती नहीं तब तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरियाँ धीरे धीरे करके ऊपर आई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम धीरे धीरे सबको ऐसे पलट लेते हैं। ये देखिए ये फूली है हमारी कचौरी, ये देख सकते हैं आप नीचे से। अभी दूसरी साइड हम इसे पलट लेते हैं और हम थोड़ा गैस का फ्लेम बढ़ा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौड़ी कितनी फूली फूली बनी है, तो अब हम इसे वापस से पलट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से पूरा कलर आ चुका है, अभी हम इसे पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी अच्छा कलर आने देते हैं। ये देखिए आप देख सकते हो कितनी अच्छी फूली है हमारी कचौड़ी और कितना अच्छा कलर भी आया है उसके ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौड़ी कितनी अच्छी बनी है और कितनी फूली फूली बनी है। ये देखिए और खस्ता भी बहुत है, हम इन्हें अभी निकाल लेते हैं। ये देखिए, आइए फ्रेंड्स, अभी हम कचौरी के साथ ये एक स्पेशल चटनी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये 5-6 खजूर को भिगो के लिया है, डेट्स को, और उसका पल्प निकाल के लिया है। ये इमली का भी हमने ऐसा ही पल्प निकाल के लिया है। 2-3 टेबलस्पून हमने गुड़ लिया है, 1/2 कटोरी हमने पुदीना लिया है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1/2 टीस्पून काला नमक है और 1 टीस्पून सादा नमक है, और 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून धनिया हमने लिया है। ये चटनी हलवाई वाले जब हम कचौरी बाहर खाते हैं तो उसके साथ में बनाते हैं, तो हम भी कचौरी के साथ में इसे बनाने जा रहे हैं। जीरा और धनिया डाल लेते हैं, साथ में ही नमक और रेड चिल्ली पाउडर भी डाल देते हैं, और इसके साथ ही हम ये पुदीना भी इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सब धनिया, जीरा, पुदीना और रेड चिल्ली पाउडर और नमक इनको अच्छे से मिक्स करके मिक्सी में बारीक करके लिया है, तो अभी बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये जो खजूर का पल्प हमने बनाया है ये इसमें डाल लेते हैं, साथ में ही इमली का भी जो पल्प हमने निकाला है ये भी इसमें ऐड कर देते हैं, और ये गुड़ लिया है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं, और इसमें मैं थोड़ा पानी भी ऐड करती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड, ये चटनी थोड़ी सी पतली ही रहती है, तो मैं पहले तो थोड़ा कम पानी ऐड कर रही हूँ, बाद में इसमें और पानी ऐड करूँगी, तो इसे मैं वापस से एक बार मिक्सी में घुमा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, तो अभी मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। ये जो चटनी हमने बना के ली है, उसको हमें ऊपर से तड़का देना है, तो इसके लिए एक टेबलस्पून हमने ऑयल डाल लिया है। इसमें हम ये राई डाल लेते हैं, राई को हम थोड़ा क्रैकल होने देंगे, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं, और इसमें ये 1/8 टीस्पून हम हींग डाल लेते हैं, ऐसा कुटीला। ये जो हमने तड़का बना के लिया है, ये इसके ऊपर हम डाल देते हैं। तड़के को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ में हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये चटनी इसके साथ में बहुत ही अच्छी लगती है, कचौरी के साथ में, समोसे के साथ में, वड़े के साथ में भी आप इसे खा सकते हो। आइए फ्रेंड्स, मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता है, और अंदर देखो आप कितनी फूली है। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे बाहर मिलती है वैसे हमारी कचौड़ी बनी है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी कचौड़ी हमारी बनी है। हलवाई स्टाइल फूली फूली कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।